तैलीदई आवासीय विद्यालय में आज शिक्षक दिवस मनाया गया, जहां विद्यालय के प्रधानाध्यापक पंकज उरांव, सौंसे खेखर राजी आदिवासी परदना खोड़ा के अध्यक्ष सूका उरांव, सचिव वंदना उरांव तथा विद्यालय के सभी शिक्षक शिक्षिकाओं ने सर्वप्रथम डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन की तस्वीर पर माल्यार्पण कर सामूहिक दीप प्रज्वलित किया और संयुक्त रूप से केक काट कर डॉक्टर राधाकृष्णन का जन्म दिवस मनाया। कैलीदई आवासीय विद्यालय के प्रधानाध्यापक ने डॉक्टर राधाकृष्णन की जीवनी पर प्रकाश डालते हुए बच्चों के जीवन में शिक्षक की क्या महत्ता है इस पर प्रकाश डाला। उन्होंने कहा कि माता पिता बच्चों के प्रथम गुरु होते हैं, जो बोलना चलना सिखाते हैं, पर शिक्षक जीवन जीने का रास्ता बतलाते हैं। शिक्षक हमेशा अपने बच्चों को बुलंदी पर देखना चाहते हैं। जब कोई बच्चा पढ़ लिख कर बड़ा आदमी बनता है तो माता पिता से बढ़कर शिक्षक को खुशी मिलती है, इसलिए शिक्षकों का हमेशा आदर करना चाहिए, सम्मान करना चाहिए। वहीं बच्चों ने एक से बढ़कर एक रंगारंग सांस्कृतिक कार्यक्रम प्रस्तुत कर लोगों का मन मोह लिया। सोना न्यूज डेढ़ो से राज रोए की रिपोर्ट। नहीं हुई थी, लेकिन उसी का याद में हम लोग आज डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन के यादों में और हमारे जितने भी शिक्षकों की यादों में 5 सितंबर को छोड़ करके आज शिक्षक दिवस के रूप में मना रहे हैं और इसको मनाने का खास उद्देश्य है डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन भारत के राष्ट्र भारत के उपराष्ट्रपति, प्रथम उपराष्ट्रपति हूं और द्वितीय बार में और राष्ट्रपति के रहते हुए भी डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन बहुत बड़े शिक्षक विद भी रहे,